मंजिल को पाना तो बहुत दूर की बात है, मंजिल को पाना तो बहुत दूर की बात है। अगर गुरूर में रहोगे ना तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे, अगर गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। तो गुरूर में नहीं रहना है, सॉफ्ट बिल्कुल प्यार से रहना है, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। मैं बलवंत सारण आपका स्वागत करता हूँ आज की पॉलिटी की क्लास के अंदर। पॉलिटी के अंदर हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी सी चीज़ें, पार्लियामेंट्स कमेटी यानी आप कह सकते हो संसद की समितियां। संसद की समितियां जो है उनके बारे में हम अच्छे से बढ़िया से समझेंगे। आज के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, कौन कौन सी स्थायी समिति कौन सी है, अस्थायी कौन सी है, तदर्थ कौन सी है, जांच छानबीन सरकारी उपकरणों की, प्राकलन आकलन लेखा, सब समितियों के बारे में बिल्कुल डिटेल से बढ़िया से पढ़ देंगे और बिल्कुल क्लियर कर देंगे एक एक बातें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं संसद की समितियाँ। पार्लियामेंट कमेटी, तो जो अगर आप पॉलिटी की वीडियो पहली बार देख रहे हो तो यहाँ से आप जाके साइंस की वीडियो भी देख सकते हो, इससे भी बेस्ट से बेस्ट से बेस्ट समझाया गया आपको फिजिक्स बायो केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पॉलिटी चल रही है तो आपने देखा भी होगा, बहुत अच्छा मज़ा आएगा आपको एक एक चीज़ पढ़ के। डिटेल में सब कुछ बढ़िया पढ़ाते हैं आप, डिटेल में अपने हिसाब से बहुत बढ़िया ही पढ़ाते हैं। संसद की समितियाँ, संसद की समितियों का मतलब यहाँ क्या है, आपने एक चीज़ देखा होगा हमारे देश में संसद क्या है, पार्लियामेंट जो है ना वो क्या है, सर्वप्रिय, ठीक है, विधायी संस्था है, सबसे बड़ी विधायी संस्था, ठीक है। और इसका जो प्रमुख काम है ना, मैंने पहले भी बताया, प्रमुख कार्य जो है वो क्या है, कानून बनाना है, कानून बनाना, कानून बनाना इसका काम है, कानून की रक्षा करना न्यायालय का काम है, ठीक है। तो कानून बनाना इसका काम, कानून प्रमुख कार्य है, लेकिन अन्य इसके अलावा भी इसके अन्य कार्य भी हैं, इसके अलावा इसके अन्य भी बहुत कार्य हैं, ठीक है। तो समय का अभाव रहते हुए या मतलब कार्य का ज़्यादा होना, समय का अभाव होना, इसके कारण इसके पास अनेक कार्य हो जाते हैं जिसके कारण ये सही से नहीं कर पाती सारे कार्य। तो इसकी सहायता के लिए क्या करना होगा, फिर संसद जो है, संसद की जो सहायता, अनेक कार्य रहते हैं, चर्चाएँ हैं, बहस है, जांच है, बजट पेश करना है, बजट ये करना है, वो करना है, फलाना तिकड़ा ये वो, फलाने विभाग को ये हो गया, तिकड़े को ये हो गया, ऐसा बहुत कार्य है, ठीक है। तो अन्य कार्य है, तो अन्य कार्य क्या करेगा, तो प्रमुख कार्य जो है कानून बनाना है, अन्य कार्य जो है उनको देखना किस प्रकार से, उनकी जांच करने के लिए उनको सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे, जो पैसा दिया गया है डिपार्टमेंट को दिया गया है वो सही से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा, या ज़्यादा तो नहीं हो रहा या कम तो नहीं हो रहा, सारी चीज़ें जांच की जाती है। और जांच करने के लिए, देखने के लिए, उन पर रोक लगाने के लिए अलग अलग प्रकार की कमेटियां भी बनाई जाती है, ठीक है। तो प्रमुख कार्य है, अन्य कार्य है, तो इन कार्यों को करने के लिए संसद की सहायता के लिए, ठीक है, संसद की जो सहायता के लिए क्या बनाई जाती है, समितियाँ बनाई जाती है, अलग अलग प्रकार की समितियाँ बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, समितियाँ, ठीक है। एक बात याद रखना, जो संसद की समितियाँ, वह समितियाँ कौन सी समितियाँ हैं, संसद की समितियाँ, संसद की समितियाँ कौन सी समितियाँ कहलाती है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है मान लो, ठीक है, नहीं पढ़ाया होगा आपको किसी ने। संसद की समितियाँ वो समितियाँ हैं जो क्या करे, देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, एक तो अध्यक्ष जो होता है ना, अध्यक्ष और या राज्यसभा में होता है सभापति, सभापति के देख रेख में कार्य करे, उसके अनुसार कार्य करे, ठीक है। और दूसरा उनको रिपोर्ट सौंपे, क्लियर हुई बात, ठीक है, उनको रिपोर्ट सौंपे, और राज्यसभा, और अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा, दोनों में से उनके मनोनीत किए गए कार्य या नियुक्त किए गए कर्मचारियों के देखरेख में काम करे, कर्मचारियों की सहायता से काम करे,
ठीक है, एक चीज देख लो आप, संसद की समितियों का मतलब ये थोड़ी ना है उसके अंदर संसद के व्यक्ति भी होंगे, ठीक है। संसद की समिति का मतलब क्या है भी, ये वो संसद की समिति मानी जाएगी जो संसद की समिति क्या करती है, कुछ रूल होते हैं इनके जो फॉलो करती हो, ठीक है ना। जैसे अध्यक्ष के अनुसार तो कार्य करना है, अध्यक्ष या पीठासीन कह सकते हो, दोनों को इकट्ठा कहो तो संसद के पीठासीन, ठीक है। अध्यक्ष या सभापति के अनुसार कार्य करे वो समिति और उनको ही रिपोर्ट सौंपे, यानी लोकसभा की अगर कोई कमेटी है तो लोकसभा के अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपे, अगर राज्यसभा की है तो सभापति को रिपोर्ट सौंपे। राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा जो नियुक्त किए गए हैं उनके कर्मचारियों की सहायता से ही वो काम करें, ठीक है, इनके अनुसार ही चले, इनके अनुसार ही क्या करें ये चले, ठीक है। और लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष या सभापति जो है उनके निर्देशानुसार ये कार्य करे तो उसको क्या माना जाता है, संसद की समिति माना जाता है। उसको संसद की समिति नहीं माना जाता अगर ये वो रूल या मतलब नियम के अनुसार कार्य नहीं करती है तो उसको संसद की समिति नहीं माना जाता, चाहे उसके अंदर संसद के सदस्य ही क्यों न हो, उसके अंदर क्या हो, सदस्य, संसद के सदस्य ही क्यों न हो। जैसे परामर्शदाता समितियां, इसमें संसद के सदस्य होते हैं, ठीक है, लेकिन इसको संसद की समिति नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि ये इस हिसाब से कार्य नहीं करती। क्लियर हो गई बात, संसद की समिति किसे माना जाता है, ये तो बात हो गई। अब समितियां जो है दो प्रकार की होती है, समितियां कितने प्रकार की होती है, संसद के अंदर दो प्रकार की समितियां होती है, संसद की समितियां कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की है, मुख्य रूप से दो प्रकार की। एक एक बिल्कुल आसान सी चीजें हैं अगर आप प्यार से समझते हो, यानी संसद की सहायता के लिए संसद की समितियां बनाई जाती है, संसद की सहायता के लिए संसद की समितियां बनाई जाती है जो समय समय पर जांच करती है, विभाग की जांच करती है, रिपोर्ट पेश करती रहती है ताकि बर्डन न रहे। और इस समितियों की वजह से हर सदस्य को क्या मिल जाता है, कार्य मिल जाता है जो उस कार्य पर अच्छे तरीके से ध्यान दे सकता है, ठीक है। आमतौर पर जो मंत्री होते हैं, मंत्री जो है उनको शामिल नहीं किया जाता नॉर्मल समितियों में, क्या है, मंत्रियों को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि मंत्री के पास कोई ना कोई विभाग होगा और विभाग की जांच समितियां करेगी तो वो मतलब क्या हो जाएगा, सिस्टम नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ तो यार कान में दर्द है यार, बहुत खतरनाक। दो प्रकार की समितियां होती हैं, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी यानी स्थायी समितियां, क्या होती है, स्थायी समितियां, और दूसरी समिति जो होती है वो होती है अस्थायी या तदर्थ समितियां, ठीक है, इसको बोलते हैं एडहॉक कमेटी। इसको बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटी। क्लियर है, यानी समितियां जो दो प्रकार के, स्थाई अस्थाई, स्थाई अस्थाई, बस ये क्या है। स्थाई समितियों के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, स्थाई समिति जो होती है ना उनको एक वर्ष, इनका समय कितना होता है, एक वर्ष होता है, और इनका कुछ भी समय नहीं होता, यानी ये समिति कभी बनाई जा सकती है। समिति की क्या की रचना के लिए, मान लो सदस्य लिए रचना हो गई, ठीक है, इनको कोई काम दिया गया, वो कार्य सौंपा गया, कार्य कर लिया, कार्य करके रिपोर्ट दी इसने अध्यक्ष को, क्या दे देते हैं ये रिपोर्ट, और रिपोर्ट देते ही ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, बस इसका काम खत्म। यानी एक विशेष कार्य के लिए बनाई जाती है, विशेष रूप से मतलब विशेष जांच के लिए या विशेष रूप से इसको बनाया जाता है, या सलाह के लिए, सलाह समितियाँ होती है या जाँच समिति होती है ज़्यादातर, ये भी आपको इस फलाने फलाने प्रोजेक्ट की जांच करनी है, ठीक है, आप जांच करके रिपोर्ट पेश करिए, रिपोर्ट पेश करने के बाद जांच, रिपोर्ट आ गई, जांच हो गई, कमेटी खत्म, तो उसे अस्थाई समिति बोलते हैं, ठीक है। स्थाई एक वर्ष के लिए, मतलब जैसे अलग अलग समितियां होती हैं जो शुरू में क्या कर दी जाती है, उनको
गठित किया जाता है और एक साल तक, पूरे साल तक वो कार्य करती है। जिस प्रकार की समिति है उस प्रकार के पूरे साल कार्य करेगी। फिर एक साल वो बाद वो भी खत्म हो जाती है, दूसरी समिति आती है, उसे भी स्थायी समिति कहा जाता है। मतलब एक सदस्य बदल दिया जाता है, मान वही है, क्लियर है, एक साल के लिए की जाती है। क्लियर है। और ये समितियां जो होती है अध्यक्ष और राज्यसभा में होता है सभापति, अध्यक्ष या सभापति द्वारा मनोनीत की जाती है। ठीक है, स्थायी प्रकार की होती है, एक वर्ष के लिए, समय समय पर नियमित रूप से इनका क्या किया गठन किया जाता है। ठीक है, ये हो गई तदर्थ समितियां जो होगी, रचना या कार्य मतलब उनका गठन होगा। ठीक है, और वो अपना कार्य करेगी और रिपोर्ट किसको सौंप के, अध्यक्ष या सभापति को सौंप के, और समाप्त हो जाती है, तो उसे अस्थायी समिति कहा जाता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए आप, वो अपना काम है। तो ये तो होगी समितियों के प्रकार, संसद की समितियां। तो हम पढ़ रहे हैं अब 27 समितियां, 27 समितियां। स्टैंडिंग कमेटी क्या है? स्टैंडिंग कमेटी जो है, फिर एक बार बता देता हूं यार मैं, एक वर्ष के लिए चुनी जाती है। ठीक है, एक वर्ष के लिए बनाई जाती है और ये स्थाई है, तो इसका नाम स्थाई प्रकार की होती है। ठीक है, और इनको बनाने में भूमिका रहती है अध्यक्ष। लोकसभा की बात करें तो अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा की बात करें तो सभापति होता है। ठीक है ना, राज्यसभा और लोकसभा में ये क्या की जाती है, मनोनीत किए जाते हैं इनके सदस्य। अलग अलग समितियों में अलग अलग सदस्य होते हैं। क्लियर हो जाएगी बात, कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली? कान दर्द कर रहा है यार। स्थायी समितियों के अंदर हम पढ़ेंगे, देखो वित्तीय समितियां मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, वित्तीय, फाइनेंशियल कमेटी, वित्तीय समितियां। ठीक है, वित्तीय समिति के अंदर भी क्या है, अलग अलग प्रकार की समिति आती है। भी ये जो वित्तीय यानी वित्त को देखने वाली, वित्त का मतलब फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसको देखने वाली, फाइनेंशियल का मतलब पैसे वाली चीजों को देखने वाली जो समितियां हैं वो वित्तीय समितियां होती है। और किस प्रकार की समितियां हैं, स्थायी समितियां हैं। ठीक है, वित्तीय समितियों के अंदर आती है आपकी एक तो लोक लेखा समिति, एक आती है प्राकलन समिति, और एक आती है आपकी सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति। ठीक है, तो इसके अंदर हम तीन समिति पढ़ेंगे, तीनों को एक साथ लिखता हूँ मैं। ठीक है, एक तो प्राकलन, दूसरी है लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट समिति कमेटी, तीसरी है यहां लिख देते हैं सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति। ठीक है, पब्लिक अंडरटेकिंग, तीनों समिति वित्त, कोई ना कोई वित्त का मतलब क्या है, तीनों समितियां क्या है, ये वित्तीय समितियां हैं।
ठीक है। प्राकलन समिति यानी एस्टिमेट कमेटी, एस्टिमेट का मतलब ये क्या करती है और इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्राकलन समिति जो है इसको दूसरा नाम आकलन, प्राकलन आकलन, आकलन का मतलब आंकना कितना क्या कुछ होने वाला है, आंकने का मतलब एस्टिमेट लगाना, एस्टिमेट तो जानते हो इसका नाम ही एस्टिमेट कमेटी है, ठीक है। यानी इसके अंदर पहली बात तो पूछा जाता है सदस्य कितने होते हैं, इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो इसके अंदर सदस्य होते हैं 30, कितने सदस्य होते हैं 30, और 30 के 30 सदस्य जो है ठीक है लोकसभा के होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे बड़ी कमेटी माना जाता है इसको, लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं इसके अंदर। इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता, इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता, एक बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक है। और ये स्थाई है तो कितने वर्ष के लिए, प्रतिवर्ष यानी एक वर्ष चुना, एक वर्ष के लिए क्या किया जाता है, इसका गठन किया जाता है, एक वर्ष के लिए गठन किया जाता है, ठीक है। तीसरी बात ये करती क्या है, तो बजट, देखो बस बजट अनुमान की जांच करते हैं, बस खत्म, क्लियर हुई बात। देखो आकलन शब्द बजट, प्राकलन 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 का मतलब पर आकलन यानी पहले आकलन। जब बजट पेश होता है ना, जब बजट बन रहा होता है, इस पे एस्टिमेट लगाया जाता है भी कितना बजट किसको देना चाहिए, रेल को कितना देना चाहिए, मतलब सड़कों को कितना देना चाहिए, परिवहन वाले का, हर विभाग के मतलब अलग अलग बजट बनाया जाता है, आपको पता है। उस बजट में कितने पैसे लगने हैं और कितने पैसे देने चाहिए, इसका आकलन करती है। अभी यहाँ पर 200 करोड़ से काम चल सकता है, यहाँ पर 400 करोड़ से काम चल सकता है, यहाँ पर 300 करोड़ से काम चल सकता है। जो बजट है कितना किस कहाँ जाना चाहिए उसको देखना, उसका आकलन करना, उसका एस्टिमेट बनाना, यानी बजट पेश होने से पहले का कार्य जो कर रही है वो कौन कर रही है, प्राकलन समिति कर रही है, आकलन समिति कर रही है। और इसके अंदर बजट वाला, बजट आपको पता है कहाँ, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है ना। तो मुख्य भूमिका किसकी रहती है, लोकसभा की, उसके अंदर भूमिका रहती है बजट के अंदर, ठीक है, क्योंकि मंत्री वंत्री विभाग व्यूग सब सारे के सारे सरकार सारे के सारे कौन है, लोकसभा के हैं, लगभग लोकसभा की है। तो सदस्य किसके रखे जाते हैं, इसके लोकसभा के, राज्यसभा का कोई बहुमत नहीं रहता इसलिए राज्यसभा के सदस्य ही नहीं रखे जाते, ठीक है। तो लोकसभा 30 सदस्य, 30 के 30 किसके हैं, 30 के 30, यहाँ से याद कर लेना 30, बस और 30 का आंकड़ा हो ना, 3, ठीक है, आंकलन 3, ऐसे एक वर्ष के लिए। और बजट का अनुमान का जांच करती है, बस बजट के अनुमान, ज़्यादा आपसे इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा भी बजट कितना किसको देना है। मान लो कहीं पुल बनना है, वहाँ पे इतने रुपए देने हैं, ठीक है, तो 200 करोड़ देने, 300 करोड़ देने, 500 करोड़, इस चीज़ की जांच करने के लिए स्पेशल ये कमेटी बनाई जाती है। और सबसे बड़ी कमेटी माना जाता है इसको, क्या माना जाता है, सबसे बड़ी कमेटी माना जाता है, सबसे बड़ी कमेटी माना जाता है, बड़ी समिति माना जाता है, बस खत्म। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, बात करें सदस्य की, हाँ जी, तो सदस्य की जब मेंबर की हम बात करते हैं तो इसके अंदर मेंबर होते हैं आपके वो जो 22, 15 और 7, 22, 22, तो 22 में से लोकसभा के कितने हैं जी, लोकसभा के कितने हैं जी, तो लोकसभा के ज़्यादा ही होंगे, अच्छा लोकप्रिय सदन है। राज्यसभा के कितने हैं जी, तो राज्यसभा के 7, 15 और 7, 22, ठीक है ना, 22 सदस्य इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। दूसरी बात, इसको कहा जाता है प्राकलन समिति, समिति की जुड़वां बहन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्राकलन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, इसका पता भी हमें लगाना पड़ेगा। सदस्य कितने, 15 और 7, सदस्य कितने, 15, 7, लोकसभा में 15, राज्यसभा के 7, दोनों को मिलाकर 22 सदस्य, 22 सदस्य किसमें, लोक लेखा समिति में। और इसका कार्य जो है वो क्या है, जैसे किसने किया था प्राकलन ने, जब बजट,
ठीक है, बजट बनाने से पहले अनुमान किसने लगाया था? प्राकलन समिति ने लगाया था। बजट बन गया, पेश हो गया, पैसे बांट दिए गए अलग अलग डिपार्टमेंट को। अब बजट कितना किसको दिया गया, वो पैसा वहाँ पे लगा नहीं लगा, लगा नहीं लगा, इसकी जांच कौन करता है? आपको पता ही है, केग करता है, ठीक है ना, नियंत्रण एवं महालेखा ये करती है, ठीक है, भी कितना पैसा सरकार का कहाँ लगा। ये जैसे ये रिपोर्ट किसको देती है? ये रिपोर्ट देती है आपके राष्ट्रपति को। नियंत्रण महालेखा परिषद रिपोर्ट किसको पेश करती है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है? उस समय कमेटी को देता है, ठीक है, ये तो मतलब सरकारी काम हो गया मान लो, ठीक है। फिर वो राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति ये रिपोर्ट किसको देता है? लेखा लोक पब्लिक अकाउंट कमेटी उसको देता है। यानी उस पर ये फिर जांच कर दिए, जो चीज़ सही है, इतना जितना धन बजट केंद्र इनको दिया गया था उनका जो खर्च हुआ है वो सही तो किया गया है। अपव्यय, अपव्यय बोल देते हैं, अपव्यय, ठीक है ना, सरकार व उसके विभाग की जांच करती है, ठीक है ना, सरकार के व्यय और विभाग की जांच करती है भी जो जितना पैसा जहाँ दिया गया था वो उतना पैसा लगा या नहीं लगा, ठीक है। अब पुल बनाने के लिए मान लो कहीं पे कुछ करोड़ दिया गया था, 600 करोड़, तो ये चीज़ देखती है भी 600 करोड़ रियल में लगा यार, घोटालों की जांच करती है, सीधी बात है यार, ठीक है ना, क्या करती है, घोटालों की जांच करती है। और घोटालों की जांच करने का मतलब क्या है, देखो, क्योंकि सरकार के इसका जो अध्यक्ष होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अध्यक्ष घोटालों की जांच, अब घोटाले होते नहीं होते क्या, अपने को कैसे पता चलेगा, ठीक है ना, तो घोटालों की जांच करती है, इसलिए इसको कह सकते हैं, इसका अध्यक्ष जो होता है ना विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का सदस्य होता है, ठीक है, यानी अपोजिशन जो है उसका अध्यक्ष, अपोजिशन पार्टी का जो बंदा है उसको बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि सही घोटाले की जाँच करने के लिए फिर क्या किया जा सकता है, ठीक है। उनकी रिपोर्ट लिख दो, मेरे को लग रहा है ये रिपोर्ट तो है राष्ट्रपति को सौंपती है, इनकी रिपोर्ट के बाद ये जांच करती है, ठीक है, सरकारी विभाग वगैरह पे क्लियर हो जाना चाहिए। जो बजट पेश किया था, बजट देखा किसने? नियंत्रण महालेखा परिषद ने पूरा जानकारी ली, उन्होंने रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी, राष्ट्रपति ने फिर रिपोर्ट किसको दे दी? रिपोर्ट, ये ऐसे थोड़ी अभी रिपोर्ट देनी जरूरी है, दहस इस समिति को मतलब सौंपी जाती है ताकि ये जाँच कर सके भी ये रिपोर्ट भी सही है क्या, इस पे ही जांच करती है। और ये काम किसका है? विपक्ष का, इसका सदस्य जो होता है उसको अध्यक्ष बनाया जाता है इसका, ताकि घोटाले जितने भी हैं, भी मिसाइल लेके आए, हाँ जी लेके आए, बजट में इतना पैसा था, हाँ जी था, लगा कितना कितना लगा, और ये घोटाला हो गया, फलाना घोटाला, चारा घोटाला, दिगड़ा घोटाला, तो ये घोटालों को पकड़ने वाली समिति है लोक लेखा समिति। सरकारी उपकरों संबंधी समिति, ठीक है, सरकारी उपकरों संबंधी समिति ये क्या करती है? देखो, इसमें भी कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। सदस्य इसमें भी 22 है, ठीक है। और इसके अंदर लोकसभा में कितने हैं? तो लोकसभा के 15 हैं, और राज्यसभा के कितने हैं? तो 7 होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये तो हो गया, कितने होते हैं? ये होते हैं 7, क्लियर है। इसका काम क्या है? देखो, इसका काम क्या है, इसका मुख्य काम क्या है, सेम काम देखो, ये रिपोर्ट सौंपती है, ठीक है, जांच कर, जो ये जांच करती है, इसकी जांच की जांच करना, और किस पे मुख्य रूप से? जो व्यापार होता है ना, व्यापार व वाणिज्य, व्यापार व
वाणिज्य उनके ऊपर जांच करना है, ठीक है, उनके नियमों को देखना, उन पे पैसा कितना लगा है उसको, मतलब जितना भी व्यापार है उसको देखने का कार्य है सरकार उपकर संबंधी समिति का, ठीक है। ये भी पहले जांच करती है, जांच करके रिपोर्ट पेश करती है, और अनेक प्रकार के व्यापार, ये मतलब वित्तीय समितियां यार पैसे को देखने वाली है, यानी पैसे का मामला कहाँ कहाँ फंसा हुआ है, किस किस प्रकार से ज़्यादा खर्च तो नहीं हो रहा, या मतलब जितना जिसको जाना चाहिए वहाँ पर जा पा रहा है या नहीं पा रहा है, ठीक है, अनाज बांट रही है सरकार फ्री में वहाँ पर तक जा रहा है, यानी वित्त जो है पैसे का मामला जहाँ जहाँ है, जैसे ये क्या इसको देखती है, व्यापार को देखती है, जब सरकारी उपक्रमों को संबंधित समिति जो है वो क्या देखेगी, व्यापार को देखती है। इसके अंदर लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्य दोनों होते हैं, 15 लोकसभा के साथ राज्यसभा के, ठीक है। व्यापार को और उसके नियमों को भी, व्यापार और वाणिज्य जो है वो नियम के अनुसार या रूल के हिसाब से चल रहे हैं नहीं चल रहे या आगे पीछे हो रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ों को देखने के लिए एक समिति बनाई जाती है जिसको हम कहते हैं सरकारी उपकरों संबंधी समिति। तो तीन समितियां, प्राकलन समिति बजट को देखती है, बजट बनने से पहले की बातें हैं, एस्टिमेट लगाती है कितना किसको देना चाहिए, ठीक है। लोकसभा के सदस्य होते हैं, एक वर्ष के लिए चुनी जाती है। बजट पेश होने के बाद ये जुड़वा बहन इसकी आती है लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति क्या करती है, कितना बजट कहीं घोटाले वटाले तो नहीं, जितना बजट जिनको दिया गया, जितना पैसा जिनको बांटा गया था वो सही रूप से खर्च हुआ है या मतलब उसमें धांधली हुई है, इस चीज़ की जाँच करने के लिए लोकलेखा समिति। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, ठीक है। और सरकारी उपकरों संबंधी है, व्यापार वगैरह सब देखना है, व्यापार रूल से चल रहा है या नहीं चल रहा, इसके अंदर भी कोई घोटाले वटाले तो नहीं हो रहे, व्यापार जो बाहर से करना है जो हो रहा है किस प्रकार से हो रहा है कैसे कैसे हो रहा है, इन चीज़ों पर ध्यान देती है कौन सी, सरकारी उपकरों संबंधी समिति। इसके अंदर भी सदस्य 22 होते हैं, लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7, क्लियर हो जानी चाहिए बात। ये थी वित्तीय समितियाँ, कौन सी थी, तीन प्रकार की वित्तीय समितियाँ, ठीक। अगली समिति आपकी है विभागीय समितियाँ, क्लियर है। देखो विभागीय समितियाँ, अब ज़्यादा कुछ पढ़ने वाली बातें हैं नहीं विभागीय समितियाँ, लेकिन आप पढ़ लेना एक बार, आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ये चीज़ें रट्टे मारने की तो है ही नहीं, ठीक है। विभागीय समिति, डिपार्टमेंटल कमेटी जो है, यानी पहले 17 थी 1993 में, उसके बाद ऐसे ऐसे, तो आपको पढ़ना है अब कितनी है, तो 14 विभागीय समितियाँ हैं, 24 विभागीय समितियाँ, आज कितनी समितियां हैं, 24 है, अलग अलग विभाग की अलग अलग समिति है, ठीक है। और इसके अंदर दो बातें पढ़ लो, पहले अधिकतम मैक्सिमम जो होते हैं, अधिकतम, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं इसके अंदर 45, कितने सदस्य हो सकते हैं 45, और 45 के अंदर लोकसभा से कितने हो सकते हैं, तो लोकसभा से इसके अंदर 30 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से इसके अंदर 15 सदस्य होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, ये हो गए, ठीक है। 24 समितियों के अंदर लोकसभा में कितनी समिति है, तो लोकसभा में 16 समिति है, 16 लोकसभा की समिति है विभागीय, ठीक है, और राज्यसभा की 8 समिति है, राज्यसभा में कितनी है, 8 समिति है, ठीक है, 8 समिति है। और इन विभागियों का, विभागीय समितियों का अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष जो है, तो अगर वो राज्यसभा की समिति है तो उसका अध्यक्ष कौन होगा, सभापति होगा, कौन सा होगा, सभापति होगा, ठीक है। अध्यक्ष अगर वो लोकसभा की समिति है, लोकसभा की समिति है, तो इसका अध्यक्ष कौन होगा, लोकसभा अध्यक्ष होगा, स्पीकर होगा, लोकसभा अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगर राज्यसभा की है तो सभापति होता है, और लोकसभा की है तो लोकसभा का अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होता है, क्लियर है। 24 समितियां हैं, 24 समितियां विभागीय समितियां हैं, ठीक है। कितनी समितियां हैं, 24, याद रखना कितनी समितियां हैं, प्रेजेंट के अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। लोकसभा की कितनी है, 16 है, राज्यसभा की 8 है, अधिकतम 45 सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा के 30 सदस्य हो सकते हैं, राज्यसभा के 15 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, ठीक है, बनाए ना बनाए वो इन पे, अधिकतम का मतलब है इससे कम भी हो सकते हैं, वो मर्जी है इनकी, क्लियर है, ठीक है। लोकसभा के 30 और राज्यसभा के 15, राज्यसभा की अगर वो समिति है तो राज्यसभा का सभापति उसका अध्यक्ष होता है, लोकसभा की अगर समिति है तो लोकसभा का अध्यक्ष उसका अध्यक्ष होता है,
क्लियर हो जानी चाहिए बात, ठीक है। ये क्या करती है, ये अलग अलग विभाग को देखती है। अब क्या देखो, अलग अलग विभाग को मंत्री बना दिए, मंत्री विभाग को देखेगा। अब मंत्री के तो बस की बात नहीं है ना, मंत्री सरकार में जो लोग हैं सदस्य हैं वो भी तो उसको देखना पड़ेगा। अब जैसे कोई विभाग है, मान लो अलग अलग विभाग, जैसे आपका वाणिज्य विभाग है तो, या व्यापार का विभाग है, या आप ये लगा लो कोई मंत्रालय, जैसे रक्षा मंत्रालय मान लो। रक्षा मंत्रालय के अंदर क्या होगा फिर, रक्षा मंत्रालय के अंदर या होना है भी रक्षा से रिलेटेड सारी बातें होगी, देश की रक्षा कैसे की जाए, लोग मतलब बाहरी आक्रमण से कैसे बचा जाए, किसी ने आक्रमण कर दिया तो बाहर क्या किया जाए, मिसाइल कैसे मंगाई जाए, कौन सी तोप बनाई जाए, ये बनाई जाए, तो तोप बनाए, ये बनाए, फलाना दिगड़ा, इन विभाग को देखने के लिए मंत्री है, ठीक है। मंत्री तो विभाग देखता ही है, लेकिन संसद के अंदर इसको निष्पक्ष करने के लिए क्या है, कमेटी बनाई जाती है, जो मंत्री सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है ना। हो सकता है घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं उस विभाग के अंदर, अब कुछ समिति कमेटी जांच ही नहीं करेगी तो पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा, इसलिए उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, यानी 24 कमेटियां अलग अलग विभाग के लिए 24 कमेटियां हैं। उस कमेटी उस विभाग को, उस डिपार्टमेंट को देखती है, उसके अंदर जो कार्य हो रहा है, उसके अंदर जो व्यय हो रहा है, जो उसका जो बजट है वो उस बजट में रहते हुए काम कर रही है, या उससे ऊपर जा रही है, या किस प्रकार के सही कार्य कर रही है, घोटाले कर रही तो घोटाले वगैरह तो नहीं कर रही, इस प्रकार के कार्य करती है विभागीय समितियाँ, ठीक है। विभागीय समितियां, स्थायी समितियां होती हैं, 24 समितियां अलग अलग डिपार्टमेंट की बनाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी आ गई सदन समितियां, सदन समितियां, सदन समितियां, सदन हाउस कमेटी, सदन समितियां, हाउस कमेटी जो है उसके अंदर दो प्रकार की कमेटी आती है, एक तो कार्य मंत्रणा समिति और एक आती नियम समिति, कुछ भी नहीं है, दोनों में 15-15 सदस्य होते हैं, इसमें भी 15 सदस्य होते हैं, इसमें भी 15 सदस्य होते हैं। कार्य मंत्रणा का मतलब क्या है, कार्य मंत्रणा ये समय फिक्स करती है, ठीक है। यानी कोई भी कानून है, कानून बनना, कानून कोई विधेयक है, गैर सरकारी सरकारी कोई पेश करता है, कोई विधेयक पेश करता है, कानून बाद में बनता है वो, ठीक है। उस विधायक विधेयक पे कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, इसको समय फिक्स करने का काम है, कितना समय लगेगा ये उसको डिसाइड करती है, ठीक है। कार्य मंत्रणा यानी कार्य को एक मंत्र के रूप में फिक्स करती है, ठीक है ना। कार्य को एक मंत्र, मंत्र मतलब टाइम देती है भी, इसको 2-3 महीने का टाइम जो होता है भी, इस 3 महीने के अंदर इसको क्या करना है, इस कार्य को कंप्लीट करना है, इस विधेयक को कंप्लीट करना है, उसका समय बताती है, ठीक है ना। एक बस काम है, इसका समय बताती है कितने समय में ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कोई भी विधेयक है जो, ठीक है, जो कोई कार्य संसद में चलेगा उसका समय फिक्स कर रही कार्य मंत्रण। नियम, ठीक है, समय समय पर क्या करती है ये, नियम संसद के अंदर नियम फिक्स करती है, ठीक है ना। संसद को नियम अनुसार, रूल के अनुशासन के अनुसार चलाने का कार्य करती है। कोई अनुशासन को भंग कर रहा है तो उसको सजा देने का काम, या मतलब उसको कोई दंड देने का काम, इस प्रकार के मतलब कार्य करती है। ये नियम बनाती है भी, किस नियम में, किस शब्दावली के अंदर बात करनी है, किस नियम के अनुसार से आपको आना है, किस नियम से बैठना है, किस नियम से, सारी चीज़ें जो फिक्स करती है वो नियम बनाने का काम करती है, क्योंकि दोनों ये समितियां सदन के अंदर ही काम करती है, तो नियम समिति ये है, रूल कमेटी इसको कहते हैं। क्लियर हुई बात, ठीक। आगे कुछ कमेटियां जैसे जाँच कमेटी, जाँच समिति, ठीक है। जांच समिति के अंदर अलग अलग प्रकार की याचिका समिति आती है, एक आती है विशेषाधिकार समिति, ठीक है। तो ये जांच करती है, इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो सदस्य आपके 15 और 25 सदस्य होते हैं, ठीक है। इन समितियों में 25 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से 10 होते हैं, तो जांच समितियां। इसके अंदर कौन, जांच समितियों के अंदर एक तो याचिका समिति आती है, ठीक है,
और एक विशेषाधिकार, इनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, विशेषाधिकार, स्मृति, बस पता होना चाहिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में, बस याचिका या विशेषाधिकार। जांच समिति भी क्या है, जांच करने के लिए किसी भी प्रकार के लोगों के द्वारा, मतलब जो कार्य होते हैं उनकी जांच करने के लिए ज्यादातर क्या किया जाता है, भी कोई जांच का मतलब यह है भी किस लोग लोग जो है ना, यानी लोक हित में कार्य करती है, भी कोई चीज़ है उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए या कोई चीज़ों को मतलब बताने के लिए भी ये चीज़ भी हमें, ये कार्य भी हमें करना चाहिए, इस प्रकार की जांच करती है याचिका वगैरह या विशेषाधिकार। विशेषाधिकार दिलाने का काम करती है भी किसी को अधिकार अपना नहीं मिल रहा है, किसी लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा है, या कोई सदस्य को या सरकारी या गैर सरकारी सदस्य को कोई अधिकार नहीं मिल रहा है, तो उसको दिलाने के लिए ये बताती है, किसको, अध्यक्ष को बताती है भी इस प्रकार की है चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, तो वो जांच समितियाँ होती है। छानबीन समिति होती है, छानबीन समिति, छानबीन समिति के अंदर दो है, सरकारी सरकारी आश्वासन समिति होती है, एक होती है SC ST, SC व ST कल्याण समिति, ठीक है। तो SC ST का किस प्रकार से कल्याण किया जा सकता है, उनके मतलब उसको दबाया जा रहा है, उनको ऊपर उठाने के लिए, उसके उत्थान के लिए ये काम करने वाली कमेटी है संसद के अंदर, ठीक है। तो वो किस में आती है, छानबीन समिति में आती है। और एक होती है सेवा संबंधी समिति, सेवा संबंधी समिति, ठीक है। इसमें भी 25 सदस्य ही होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से, ठीक है। सेवा संबंधी से जैसे आवे, ये समिति जो है सेवा संबंधी समिति, आवेश और ग्रंथालय समिति, ये स्पेशल बनाई जाती है किसके लिए, ये स्पेशल बनाई जाती है। इसमें भी 15 और 10, टोटल 25 सदस्य होते हैं। ये किसके लिए बना है, सेवा, सेवा देने के लिए, सेवा देने मतलब उनकी सेवा के लिए कमेटी है ये, जो मंत्री हैं, जो संसद के MLA MP हैं, ठीक है ना, MLA कह रहा हूँ, MP जो हैं वो है उनके लिए भी, उनको किस प्रकार की आवास देना है, उसका घर कैसा होना चाहिए, किस किस प्रकार की सेवाएं होनी चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए, गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, सफाई वाले होने चाहिए, ठीक है, कितना फर्नीचर होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, इस प्रकार के कार्य करती हैं वो समितियां, क्या है, आवास समिति, ग्रंथालय समिति वगैरह है, सेवा संबंधी समितियाँ होती है। अब ये समितियाँ तो हो गई आपकी स्थायी समितियाँ, अब पढ़ते हैं अस्थायी समितियाँ। अस्थायी समितियों में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, क्लियर है। अस्थायी समितियां जिसको एड हॉक कमेटी भी कहते हैं या जिसको तदर्थ समिति भी कहते हैं, क्लियर होगी बात। इसके अंदर हमने बताया था अभी, ये समय समय के लिए कुछ किए जाती है, इनका कुछ विशेष कार्य के लिए, आप सीधा कह सकते हो कोई भी विशेष कार्य हो सकता है, विशेष कार्य के लिए, ठीक है। और इसके अंदर दो प्रकार की कमेटी आती है मुख्य रूप से, एक तो होती जांच, और जांच कमेटी, जांच समिति, और दूसरी आती है सलाहकार समिति, सलाहकार समिति, ठीक है। यानी वो क्या करती है, विशेष कार्य के लिए क्या क्या, जांच या सलाह मांगने के लिए की जाती है, अभी जांच करनी है हमें कोई काम की, ठीक है, बाकी समितियां अपने अपने कार्य में व्यस्त है, कोई जांच करवानी है, तो जांच करवाने के लिए जैसे कारगिल का युद्ध हुआ था, सुब्रमण्यम में एक कमेटी बनाई गई थी कारगिल के, ठीक है, तो कारगिल के युद्ध के अंदर सुब्रमण्यम कमेटी ने मतलब अपनी रिपोर्ट क्या पेश की, जैसे ही रिपोर्ट जैसे पेश की, अपना काम किया, वो खत्म हो गई, यानी उसका कोई स्थायित्व नहीं था या फिक्स समय नहीं था। स्थायी समिति 1 साल के लिए बनाई जाती है, इसका कोई टाइम नहीं होता, ये अपना
अपना कार्य करेगी, कार्य करके अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसे ही कार्य करेगी, कार्य करने के बाद ये रिपोर्ट किसको देगी, रिपोर्ट देगी अध्यक्ष को, अध्यक्ष को रिपोर्ट देते ही ये समाप्त हो जाती है, अपने आप समाप्त हो जाती है। तो ऐसी समिति को हम क्या कहते हैं, अस्थायी समिति कहते हैं, जाँच के लिए और सलाहकार के लिए, जाँच और सलाहकार के लिए। इसके अंदर क्या होता है, सलाहकार में भी दो प्रकार की समिति आती है, एक होता है प्रवर, आपने पीछे भी शब्द सुना होगा प्रवर समिति या प्रवर संयुक्त समिति, संयुक्त प्रवर कमेटी, ठीक है, दो प्रकार की होती है प्रवर समिति, क्लियर हुई, ठीक है। अगर प्रवर संयुक्त समिति है या प्रवर पहले समझ लो इस बात को, जांच या सलाह के लिए, जांच के लिए बना गई जांच समिति, सलाह के लिए बना गई सलाहकार समिति, ठीक है, क्लियर हुई, ज़्यादा इससे फचड़े में नहीं पड़ना है। जांच के लिए बना गई जांच, यानी कोई काम हो गया, कोई कांड हो गया, उसकी जांच करनी है तो जांच समिति, और कांड होने से पहले भी, यह कांड नहीं होना चाहिए तो उससे पहले सलाह ली जाती है, वो सलाहकार समिति होती है, ठीक है। प्रवर समिति या प्रवर संयुक्त समिति होती है, प्रवर समिति जो होती है और प्रवर संयुक्त, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर प्रवर समिति है तो इसका मतलब वो लोकसभा में अलग है और राज्यसभा के लिए अलग है, ठीक है। तो लोकसभा प्रवर समिति या राज्यसभा प्रवर समिति, अपनी अपनी समितियां होगी। अगर लोकसभा में अलग है तो उसके 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा लोकसभा के होंगे 30 सदस्य, अगर वो प्रवर समिति राज्यसभा की है तो 30 सदस्य राज्यसभा के होंगे, ठीक है, अलग अलग हैं ये, क्या है, दोनों अलग अलग है, जब लोकसभा की अलग से है और राज्यसभा की अलग से है, ठीक है, ये हो गई, 30-30 सदस्य होते हैं। और प्रवर संयुक्त समिति, मैं इनके भी मैं बताऊंगा, रुको एक भी थोड़ा सा अच्छे से, संयुक्त का मतलब दोनों की इकट्ठी है, संयुक्त मतलब इकट्ठी है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों है, इसमें क्या है, लोकसभा भी है, लोकसभा के सदस्य भी हैं और राज्यसभा के सदस्य दोनों इकट्ठे हैं, तो उसको संयुक्त बोल देते हैं, ठीक है। उस समय इसके अंदर 45 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 30 होते हैं और 15 किससे होते हैं, राज्यसभा से, टोटल कितने होते हैं, 45 सदस्य होते हैं। जब संयुक्त समिति है प्रवर तो 45 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा से, राज्यसभा से 15, लोकसभा से 30, राज्यसभा से 30, जब प्रवर समिति अकेली है, अलग अलग सदन की है, ठीक है, और सलाहकार समिति है, यह बात तो हो गई, ठीक है। ये समिति जो है ना, प्रवर समिति जो है, सलाहकार समिति, इसका मतलब मुख्य कार्य जो है ना, लगभग मुख्य कार्य क्या माना जाता है, जब कोई विधेयक क्या होता है, कानून बनने के लिए संसद में आता है, ठीक है, कोई विधेयक आता है, मतलब कोई बिल पेश किया जाता है, तो बिल जैसे ही लोकसभा में रखा जाएगा या राज्यसभा में, तो लोकसभा या राज्यसभा क्या करती है, सलाहकार समितियां बनाई जाती है। इसके अंदर क्या होगा, प्रवर समिति को कब सौंपा जाता है, ये सिस्टम बताऊं, पहले लोकसभा में जैसे ही पेश हुआ, लोकसभा में पेश हो गया, पहला दिन होता है, आपको मैंने बताया था वो जो आपका विधेयक जो होता है, ठीक है, तो जैसे ही वो आपको रखा जाता है, बिल जैसे ही, विधेयक जैसे ही रखा जाता है, तो बिल रखने के बाद आपको पता है उसका उद्देश्य बताता है, जो सदस्य उसमें रखता है उसका उद्देश्य बताता है, उसका महत्व बताता है, किस प्रकार से उसका महत्व और किस प्रकार से उसका उद्देश्य, क्या कारण से वो रखा गया है, और एक एक प्रतियां सब लोकसभा के सदस्यों को बांट दी जाती है, वो इस पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। वहाँ पर मैंने ये शब्द बताया था, प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है विधेयक, प्रवर समिति अपनी इस पर राय देती है, वो अपनी सलाह देती है, ठीक है ना, प्रवर संयुक्त समिति या प्रवर समिति उस पर अपनी सलाह देती है, तो वो सलाहकार एक समिति है। तो विधेयक पर ज़्यादातर ये सलाहकार, ये विधेयक में अंदर क्या कटौती करनी चाहिए, क्या इसके अंदर बिल, ये कानून बनना है तो कानून किस प्रकार का बनना चाहिए, इस प्रकार की सलाह देने का काम करती है प्रवर समितियाँ, क्लियर हुई, ठीक है। तो विधेयक के रूप में ज़्यादातर कार्य करती है और ये जाँच करती है अलग अलग प्रकार, जैसे मैंने बताया भी, जाँच समिति एक थी सुब्रमण्यम समिति, सुब्रमण्यम समिति जो कारगिल पर, कारगिल का युद्ध जो हुआ था उस पर जांच कर रही थी, तो वो जांच समिति थी, ठीक है, सलाहकार समिति ये हो गई। तो ये थी स्थायी और अस्थायी समितियां, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अस्थायी का मतलब है रिपोर्ट सौंपने के बाद समाप्त हो जाती है, ठीक है, और कमेटी कोई भी हो, चाहे समिति कोई भी हो, समिति कोई भी हो, आपसे पूछे वो रिपोर्ट किसको सौंपती है, तो वो रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंपती है या
सभापति को। ठीक है, सभापति का मतलब है अगर वो समिति राज्यसभा की है तो सभापति को सौंपती है, अगर वो समिति लोकसभा की है तो लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। क्लियर हुई बात? ठीक है, ये भी हो गया। ठीक, क्लियर है। स्थायी 1 वर्ष के लिए, अस्थायी कोई समय नहीं है। ठीक है, स्थायी समितियां अलग अलग प्रकार की, अस्थायी भी 2 प्रकार की है। बस इतना ही था संसद की समितियों के बारे में। आगे हम दूसरा नया बढ़िया टॉपिक लेके आएंगे कल से। ठीक है, संसद पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो गया, बहुत दिन हो गए ना, मैं से किक किसी में नहीं मिलते है। अरे किक मिलने भी जरूरी है ना। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो के साथ हम मिलेंगे, और प्यारी सी वीडियो के साथ। इतने आप इस वीडियो को शेयर वगैरह, लाइक वगैरह, सब्सक्राइब वगैरह करके फैला दीजिएगा ताकि हमें भी कुछ एनर्जी मिले। कमेंट भी करके बताइएगा आपका प्यार इसी तरीके से बने रहे, भगवान आपका भला करे। जल्द से जल्द अगली वीडियो मिलती है आपको। जय हिंद, जय भारत।